फॉरकास्टिंग करते हैं। सब फिनिश कर दीजिए। चटनी ईटिंग चैलेंज बहुत डला मिर्ची जी ने। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नए वीडियो में। सो दोस्तों फाइनली फ्रेश अप हो गया हूँ, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा खेत की तरफ और देखने के लिए। मेरा सुपारी के बागान तो मैं 4-5 दिन पहले दवाई मार के आ गया था, तो उसके साथ जाऊँगा। थोड़ा बहुत तो जंगल हो रहा था ना, तो उसको सफाई करना पड़ेगा। तो आज तो बाजार का दिन है, फ्राइडे है, तो मम्मी पिता जी लोग वो लोग भी चला गया अपना काम पे और मुझे जाना पड़ेगा अपना काम की तरफ। स्कूल बढ़ेगा, ठीक है। रिसेंटली मैं दवा देकर चला गया था, पूरा तो मर गया है, रेस्ट इन पीस हो गया, सिर्फ बचा है सुपारी का पौधा। इसलिए हम लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर सफाई करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जंगल सफाई करने के लिए वो चीज यूज़ करते हैं दवाई। तो सब तो मर गया, तो पैसा तो वसूल हो गया गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जंगल रहा, तो उसको सफाई करके वापस जाएंगे लौट के। मैं इसे दवाई दे के मार दिया था, पूरा राख हो गया, पूरा जल गया, मर गया। तो सुपारी का फेर पे इस तरह ये घास ने लपेटा हुआ है, इसलिए इसको छुड़ाना है और मैं यहाँ से छुड़ा देता हूँ, उसके बाद जाऊँगा यहाँ से लौट के। और आजकल तो बहुत ही आसान हो गया दवा निकालने के बाद, पूरा मर गया। और मुझे काफ़ी गर्मी लग रहा है और थोड़ा बहुत ख़त्म करना है। सर दोस्तों धूप भी काफ़ी हो रहा है, ये तो पूरा मर गया गाइस, रेस्ट इन पीस हो गया। और अगले साल फिर से मरना पड़ेगा, तो अभी मरने से मतलब सब मर जाएंगे पौधा, क्योंकि इसी वक्त बारिश का वक्त नहीं है, पूरा वो ठंडा दिन में ज़रा तरह धूप होता है, दवाई मरने से पौधा भी मर जाएंगे। अभी चलेंगे खाना खाने के लिए। और यहाँ से लेके आते इल्फिन अफेल, काफ़ी सारे हैं इल्फिन अफेल, बस एक या दो ऐसे कुछ लेके जाएंगे इल्फिन अफेल। इल्फिन अफेल गाइस, इल्फिन अफेल, ये डाली को छोड़ने से मैं गिर भी सकता हूँ नीचे, और संभाल के गैस तो ऊपर में चढ़ गया हूँ। और ऊपर में काफ़ी सारे हैं इल्फिन अफेल गैस, इस तरफ भी है, ये फूल है। तीन तो तोड़ के लेके आया हूँ फिर का, ऊपर से तीन से आराम से काम चल गया गैस। तो अभी पकने वाला है, तो पकने के लिए कुछ टाइम चाहिए, काफ़ी गर्मी है गैस। आज मैं जा रहा हूँ मीट के साथ खाना खाने के लिए, फॉर के साथ, प्रियंका जी के वहाँ पर यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ते हैं। और मैं ये यहाँ पर बांध दिया हूँ, सो इसको आप लोगों को साथ करके खाना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं या सिटी में रहते होंगे, तो गांव पे ये तो फ्री में कितना खाना खा ले, काफ़ी छीतिया खाता मुझे और बहुत छरा है फिर पे। और इसमें आ चुके हैं फॉर के साथ लांस मिर्ची, फॉर का या बैंगन और साग, जो कि हम लोग काल थोड़ के लेके आया था जंगल की तरफ से। तो कब खाओगे? अभी खाएंगे। हाँ तो खाते हैं खाना, ये खाने के बाद हम लोग कहीं पर जा सकते हैं। और मौसम का हालत आज ठीक नहीं है, शायद बारिश हो सकते हैं, बारिश होने से प्लान कैंसिल हो जाएगा। तो फॉरकास्टिंग करते हैं। बहुत दिनों से खा रहा मैं फिश, खाल खाया चिकन, आज आ गया फॉर्क। ऑर्गेनिक वाला मिर्ची के साथ में आ गया। तुझे बोला फॉर्क के साथ खाने के लिए, इसलिए तो आई हूँ। लेकिन अभी तो एक बस नहीं बोला है, मम्मी को फार्मेसी लेके गई थी, तबीयत खराब है, कमर दर्द है, ओ इसलिए ना। तुझे कौन बोला बिन बताए आने को? अभी तो मिर्ची कितना पड़ रहा है, तुझे खुद खाना बनाना पड़ रहा है इसमें आके। यहाँ कोई बात नहीं, तेरा ही गलती है। शाम को आना चाहिए था या सुबह आना चाहिए था? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, फिनिश कर दो, चटनी बनेगा ना। खा लीजिए खाना चटनी के साथ। अरे फर्क नहीं खाते हो? सिर्फ चटनी के साथ सब फिनिश कर दीजिए। ये दो बार खाना खा रही है, मोटा होने के लिए, मोती होने के लिए। तेरा मोती नहीं होना है मेरा जैसा, ठीक ना। ए हे फाइनली पहुंच गया भाई, क्या हाल है? बढ़िया। पानी पियेंगे? ओके। सो पहुंच गया बाइक पे हैंडल पे लगाने के लिए, पहले पानी पी लीजिए उसके बाद ओती हुई देख लीजिए। अभी खाते हैं पमलेपुर की चटनी। हाँ खाइए खाइए, मुँह फर फर के। अब देखते हैं इसका मुँह कितना बड़ा है।
आ मजा आ रहा है, खाओ खाओ। हाँ और ये भी फिनिश कर दे सब। खाल का बहुत मस्त था लेकिन आज का इतना अच्छा नहीं है। अच्छा लग रहा है फिर भी। तो गैस मैं एक्चुअली में आया हूँ फिशिंग के लिए। तो कुछ लोग कमेंट बर बर के बोलते हैं कि अपने मम्मी पिताजी के लिए मछली है दो करके। हाँ कुछ लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखता नहीं है तो ऐसे बिना देखे ही ज्ञान डाल लेते हैं कि वो फिशिंग करने के बाद अपना मम्मी पिताजी को फिश नहीं देते हुए बोलते हैं। मैं देता हूँ जब भी मैं फिशिंग करता हूँ देता हूँ, तो समय ना होने के कारण कभी कभी मैं वो चीज़ को मैं वीडियो में देखा नहीं पाता हूँ गैस। और अंकल जी है उस तरफ जंगल की तरफ फिशिंग करने के लिए और यहाँ पर एक टीम आ चुके हैं फिशिंग के लिए और गैस नदी का लेवल काफ़ी बढ़ चुके हैं। सर दोस्तों एक्चुअली वो फिशिंग करना कैंसिल हुआ क्योंकि अंकल जी ना वो जंगल पर बहुत सारे काम कर रहे हैं इसी के वजह से। और हमारे यहाँ पर यहाँ के लोग बहुत ही फिशिंग करते हैं और यहाँ से पत्थर उठा उठा कर लेके जाते हैं। और मैं इस नदी का क्रॉस करवाया हम बाइक से तो इतना कहाँ तक पूरा बाइक का पाया है ना पूरा डूब जाते हैं। सो गैस खाना खाने का सो गया था उसके बाद आ जाऊँ इस तरफ घूमने के लिए या गन्ना खाने के लिए। और जिरीजी भी आ चुके हैं वो खाने के लिए इलेपन एप्पल की चटनी बहुत बुझे गैस। और यहाँ पर मेरा बेटी आ गया खा रही है ये देखो पोमेलो फ्रूट। बढ़िया यहाँ पे अपने ससुर जी ने दिया है। ओहो और रुपम भाई कहाँ पर है? वो गया है कहीं और नहीं बताऊंगा अभी। ओके ओके ये तो मिर्ची कूटने में नंबर वन है। अच्छा? जब भी हो इतना स्पीच से पर ये वाला जो है थोड़ा वो गड्ढा कम है इसमें ऐसे प्लेन है थोड़ा दिक्कत होती है हम लोग का थोड़ा वो है। और आज खाएंगे हम लोग इलेपन एप्पल की चटनी दो से हो जाएगा ना दो से आराम से हो जाएगा। आने तो जिले ने बनाया इलेपन एप्पल की चटनी बहुत ज्यादा मिर्ची बहुत ज्यादा मिर्ची हर तरह हो जाएगा। तो टेस्टिंग करते हैं ये जिले के हाथों का चटनी ईटिंग चैलेंज इलेपन एप्पल बहुत ज्यादा मिर्ची जिले ने दोस्तों फाइनली वो एलिफेंट एप्पल की चटनी खाने के बाद इतना खाया मिर्ची तो एक्चुअली चैलेंज हुआ था तो वो खाने के बाद थोड़ा पेट दर्द करे। और दोस्तों आज बनेगा वो फर्क है ना वो ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाएंगे लोकल स्टाइल से बर्तन से कढ़ाई से नहीं पकाएंगे बल्कि हम लोग पकाएंगे बेमो में घुसा के। तो वो पकाने के बाद खाएंगे आराम से। वैसे भी खाने का बहुत दर्द कर रहा है शायद जीरी का भी पैर दर्द कर रहेगा तो पूछ लेता हूँ कि उसका पैर दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जीरी को बोला खाने खा के जाने के लिए तो बोल रहे है कि वो घर पे मतलब बस वो लोग ही है तो वो रह नहीं पाएंगे सब औरत लोग ही है इसी का वजह से चला गया था कहीं पर कुछ काम के लिए घूमने के लिए इसी का वजह से मैं नहीं रहेगा नहीं खाएगी बोला सीधा रुक जाएगी बोलता अभी यहाँ से। ये चटनी खाने के बाद पेट दर्द कर रहा है तेरा? नहीं तेरा ज्यादा इधर उधर कर रहा है ना इसके वजह से। हाँ हाँ ठीक है बातें करते रहे ये। हाँ क्या ये पोर्क तो इसमें कुकिंग हो रही है फर्क और ट्रेडिशनल स्टाइल से। तो चिकन भी बहुत बढ़िया होते हैं और ये वाला भी निकल चुके हैं तो अभी
कुकिंग तो हो रही है तो और टाइम लगा कुकिंग के लिए, तो आवाज कर रही है, उबाल रही है। हाँ उबाल रही है, वाओ उबल रहा है गैस। ट्रेडिशनल स्टाइल लोकल स्टाइल पार्क, वाह बॉयल गैस, यस निकल के, और यस एक पीस बाहर निकला गिर गया, वाह पार्क और ये है बैत का सब्जी जंगल का, और ये है फर्क, सुबह भी फर्क अभी फर्क प्रोटेस्टिंग करते हैं, बढ़िया हुआ है कल जो कल ट्रेडिशनल इस तरह से लिया। सो हेलो दोस्तों फिर से, तो दोस्तों कल की वीडियो को आज समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली मैं बोल गया था कल अपना वीडियो को फिनिश करने के लिए, और अभी जाना पड़ेगा यहाँ से काफ़ी दूर, लगभग 2 किलोमीटर आता है यहाँ पर, यहाँ से ही तो हमारे घर से पड़ता है 7 किलोमीटर, तो आप दान खरीदने के लिए लगभग लगता है 14-15 किलोमीटर के आसपास, मैं इसलिए घर पे नहीं रहता हूँ, तो यहाँ पर तो सामने ही है 1-1.5 किलोमीटर ही, इसके वजह से, और यहाँ इस तरफ काफ़ी बढ़िया नेटवर्क मिलते हैं इसलिए। तो गाइस कल मिलेंगे फिर से और एक नए वीडियो के साथ, तो बाय बाय दोस्तों, और गुड नाइट, बढ़िया से रहना और परफेक्ट खाना खाना, मजा से रहना, अच्छे से सुना और बिंदास करके रहना।